क्या हो रहा है यार, क्यों हो रहा है यार। इतने अच्छे डायरेक्टर रोहित शेट्टी, जिन्होंने हमें इतनी ब्लॉकबस्टर एंटरटेनर मूवीज दी है, उनके कुछ नक्षत्र ही खराब चल रहे हैं लगता है। अभी इंडियन पुलिस फोर्स आया है आज ही अमेज़न प्राइम वीडियो पे, जो रोहित शेट्टी का OTT डेब्यू है। उनकी इस सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, विवेक ओबरॉय हैं और शिल्पा शेट्टी भी हैं और मुकेश ऋषि भी हैं और शरद केलकर भी हैं और एक चाइल्ड आर्टिस्ट है मयंक टंडन। करिश्मा याद है, उसमें करिश्मा के जो भाई बनते हैं राहुल, वो आप बड़े ओके सीरीज के टेररिस्ट है। स्पॉइलर दे दिया क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले सीरीज को देखना चालू करो। पहले एपिसोड में आपका माहौल बनता हुआ दिखेगा, जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, इंडियन पुलिस फोर्स एकदम परेशान है कि कौन है इन बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे। फिर हमें पता चल जाता है कौन है और फिर इंडियन पुलिस फोर्स उसके पीछे भाग एक शहर से दूसरे शहर। सडनली ये सीरीज वीडियो गेम जैसी बन जाती है। एक तो सारे बॉम्ब ब्लास्ट CGI, ओ गॉड व्हाई, किधर से किसको बुला के CGI करवाई है इन लोगों ने। बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर फिजिकल लोकेशन सब कुछ ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़े होकर करवाया, ऐसा लग रहा है। मतलब सीरीज देख के आपको पता चल जाएगा कि इस मूवी की शूटिंग जिन शहरों को कोट किया जा रहा है, या बड़े बड़े ड्रोन शॉट से हर नई सिटी में जाने के लिए एक ड्रोन शॉट लॉन्ग शॉट आ जाता है, पर इतनी हिम्मत नहीं कि उसी शहर में जाके शूट कर लें। मतलब ये सीरीज देख के तो बैंगन भी हो गया, हाई भी हो गया और मोई मोई भी हो गया। टू बी फ्रैंक, एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं। मतलब ऑल द एक्शन सीक्वेंसेस आर वर्थ टू लुक एट। ऑल्सो स्पीड में चलती है ये सीरीज, तो 7 एपिसोड्स कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बोर नहीं होगे, काफी अच्छा बांध के रखेगी आपको स्टोरी। बट डन टू डेथ कॉन्सेप्ट है यार, मतलब इसके ऊपर बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट ऑलरेडी बन चुका है। ऊपर से एक भी एक्टर ऐसा नहीं है जिसकी कोई रेंज हो। एक्शन सीक्वेंसेस सबने बहुत अच्छे किए, चाहे वो विवेक ओबरॉय हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा हो या इवन शिल्पा शेट्टी। इट वॉज सो गुड टू सी शिल्पा शेट्टी इन फुल एक्शन फॉर्म। बट सबकी एक्टिंग बहुत ही मोनोटोनस मोनोटोन वाली थी, कुछ ज्यादा वेरिएशन ही लग रहे थे। पता नहीं क्यों सिद्धार्थ मल्होत्रा जब रोने की कोशिश कर रहे थे दुखी नहीं हो रहा था। सो इफ यू आस्क मी, ये सीरीज आपकी वन टाइम वॉच हो सकती है वीकेंड पे बैठ के देखने के लिए, बट उसके आगे आप नहीं देखना पसंद करें। और कुछ लोग शायद बर्दाश्त ही ना कर पाए अगर वो एक्शन फिल्म्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस सीरीज के बेस्ट एस्पेक्ट्स हैं इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, इसका एक्शन कोरियोग्राफी एंड डन टू डेथ बट स्मूथ स्टोरी। वहीं पे बैड एस्पेक्ट्स तो बहुत सारे हैं। CGI रियली बैड, साफ पता चल रहा था द सेम प्रॉब्लम दैट सर्कस हैड। सेकेंड, एक्टिंग मोनोटोन। थर्ड, स्टोरी जहाँ गुड एस्पेक्ट्स में बैड एस्पेक्ट में बोलूंगी कि डन टू डेथ कॉन्सेप्ट है। घर पे बैठे हो देख लो एक बार। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू मेरी टॉकीज, प्रेस द बेल आइकॉन, लिफ्ट फ्रेंड चैनल एंड पीस आउट अंटिल द नेक्स्ट डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। सी या।